हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। प्रदेश में 26 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 21 और 22 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में अगस्त से शुरू होंगी प्रथम वर्ष की कक्षाएं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। अकादमिक ब्लॉक न होने की वजह से अभी तक कक्षाएं कांगड़ा जिला के राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवा में चल रही हैं। यहाँ दो विषयों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 480 छात्र छात्राएँ पढ़ाई कर रहे हैं। कुल्लू जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्मंड बस अड्डा, ITI सहित कई अन्य परियोजनाएं जनता को समर्पित की। चंडीगढ़ हाईवे पर एक दर्जन से अधिक निगम और निजी बसों में सवार यात्री घंटों भूखे प्यासे बसों में रहे कैद। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर सात मील के पास सोमवार सुबह हुए भूस्खलन ने आपदा प्रबंधन के पुख्ता प्रबंधों की पोल खोल दी है। सुबह 8 बजे चंडीगढ़ हाईवे पर एक दर्जन से अधिक निगम और निजी बसों में सवार यात्री घंटों भूखे प्यासे बसों में कैद रहे। इन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। वैकल्पिक मार्ग से छोटे वाहनों को रवाना कर दिया गया, जबकि बड़े वाहनों में सवार यात्रियों का हाल किसी ने भी नहीं जाना। सरकारी स्कूलों में घटते विद्यार्थियों की संख्या से बेखबर उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी निजी मेमोरियल स्कूल में दाखिले करवाने के लिए ले रहे हैं दिलचस्पी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में घटते विद्यार्थियों की संख्या से बेखबर उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी निजी मेमोरियल स्कूल में दाखिले करवाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जिला मंडी के धर्मपुर स्थित एक मेमोरियल स्कूल में 9वीं-10वीं के दाखिलों की प्रवेश परीक्षा की जानकारी अपलोड की गई है। जनजातीय जिलों के 10 स्कूल प्रिंसिपलों को पत्र भेजा गया है। पत्र के साथ एक फाउंडेशन का पत्र भी संलग्न किया गया है। इसमें प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। नए शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश करने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश करने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय में 9 अगस्त से PG में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी है, जो पूरे माह चलेंगी। अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए 24 जुलाई तक तिथि बढ़ाई गई है, जबकि मेरिट आधारित PG डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। शिवा प्रोजेक्ट का उठाएं किसान और बागवान लाभ। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ग्राम पंचायत चंगर के हंगोला में शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 हेक्टेयर भूमि पर 1750 उन्नत प्रजाति के अमरूद के पौधे लगाकर पौधारोपण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। मानसून सीजन में जिला ऊना में रोपे जाएंगे 1,34,500 पौधे। वन महोत्सव के दौरान इस वर्ष जिला ऊना में 1,34,500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग ने जिला ऊना की 170 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। बरसात के मौसम में जिला में मुख्य रूप से आंवला, हरड़, बेड़ा, खैर, शीशम, नीम, बांस, तुहनी, द्रेक और आम जैसी कई किस्मों के पौधे रोपे जा रहे हैं। पिछले सप्ताह प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर 0.9% रही। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 12 जुलाई से 18 जुलाई 2021 तक कोविड 19 पॉजिटिविटी दर 0.9% दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान राज्य में 765 लोग कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह कोविड 19 के लिए RT-PCR और RAT के माध्यम से 89,723 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें से 16,812 जाँच RT-PCR के माध्यम से की गई। इस दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से 1,010 रोगियों के लिए सैंपल लिए गए, जिनमें से एक भी मामला पॉजिटिव नहीं पाया गया।
24 घंटों में भारी बारिश से 5 करोड़ से अधिक का नुकसान। भारी बारिश के कारण हमीरपुर जिला में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जल शक्ति विभाग की विभिन्न स्कीमों को लगभग 5 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। इस दौरान जिला में 5 कच्चे मकानों और 2 गौशालाओं के गिरने की सूचना मिली है। 4 स्थानों पर डंगे भी गिरे हैं। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देवश्वेता बनिक ने बताया कि मौसम के खराब रूप को देखते हुए सभी संबंधित विभागों और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को पहले ही अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।